हेलो, मैं तृप्ति कौशिक आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी कुरकुरे की रेसिपी। मैक्रोनी कुरकुरे ये एक स्नैक रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्ट लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैक्रोनी कुरकुरे। मैंने मैक्रोनी ली थी, इनको पानी में डालकर इस तरह बॉयल के लिए बॉयल हो गई है। आप देखिए, बस इसी तरह मैंने लास्ट भी अपनी कई वीडियोस बनाई हैं, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, जिस तरह हमने रिफाइंड, एक चम्मच रिफाइंड और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर बॉयल किया है, बस सेम उसी प्रोसेस से हमें बॉयल करना है। ये पक गए हैं, आप इसे चेक कर लें हल्का सा और उसके बाद गैस ऑफ कर दें। तो बस ये तैयार है, उसके बाद हम इनको पानी को निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे बास्केट लिए और बस इसको निकालकर ड्रेन कर देंगे। देख रहे हैं अच्छे से बॉयल हो गई है। उसके बाद हम इसमें जो ठंडा पानी है थोड़ा डालकर इसका जो स्टार्च होता है पूरी तरीके से हम निकाल लेंगे। इनको पानी मैंने निकाल लिया है, हमको थोड़ा बिल्कुल ठंडा होने देना हल्का सा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है मैं बताऊंगी। अब ये हल्के से गर्म है, ये ठंडे हो गए हैं मैक्रोनी। अब हम ये मैक्रोनी में, ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, ये 2 टेबल स्पून मैदा ही है वो मैंने पहले से बाउल में डाल लिया था, वो हम इस पर मिक्स करेंगे इसमें और इसको अच्छे से इसके साथ कोट करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, इससे क्रिस्पीनेस बढ़ती है इसमें और हमारे जो मैक्रोनी कुरकुरे हैं बहुत टेस्टी बनेंगे इससे। और हमें थोड़ा कम लगेगा, मिक्स करेंगे और बहुत हल्का सा इसमें हम डालने वाले हैं सॉल्ट, क्योंकि हम मसाले बाद में ऊपर से भी मिलाएंगे इसमें, तो बहुत हल्का सा इसमें हम सॉल्ट मिलाएंगे। अभी ये मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, सॉल्ट बॉइलिंग में भी डाला था इसलिए ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए फिर हाथ से हम इसको ऐसे अच्छे से कोट करेंगे। आपको देख रहे हैं, अगर आपको कम लगेगा तो हम इसमें बाद में दोबारा से और मिला लेंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा। मुझे थोड़ा सा मैदा इसमें कम, मतलब हल्का और कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और इस पर डाल रही हूँ। ये जो मैंने 2 टेबल स्पून जो मैदा लिया था वो पूरा इसमें मिल गया है और मैं थोड़ा सा 1/4 टी स्पून कॉर्नफ्लावर भी और ऐड कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से हमें कोट करना है इन पर। अब हाथ से हमें अच्छे से मिक्स करना है इसको, जैसे ये सभी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम ऊपर चम्मच से अगर नीचे है तो उसे भी मिला लें। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल डालकर इसको गर्म होने रख दिया है, फिर हम इसको बाद में इसमें डीप फ्राई करेंगे। तेल में हल्का सा आप डाल कर देखें, थोड़ा सा अभी ये ढंग से गर्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और से हल्का सा गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया है अच्छी तरह, मैं सभी जो तो मैक्रोनी है तो मैं कॉर्नफ्लावर मैदा में कोट किया है, हाथ से एक एक करके धीरे धीरे चिपके ना ये इनको अलग करते हुए इस तरह हमें डालना है। लाइट ब्राउन होने तक, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएंगे जब गोल्डन, बस उस तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है और ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये मैक्रोनी तो घर में अवेलेबल रहती है, बस कुछ चीज़ों के साथ घर में ही बच्चों को अच्छे स्नैक्स बना के खिलाया जा सकता है। अभी हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा हमको और भी करना है हमें।
खाते हैं और बच्चों के लिए बना देंगे, बच्चे के टेस्ट के लिए खाएंगे। ठंडे होके और क्रिस्पी हो जाएंगे बाद में, और हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हमारे सारे मैक्रोनी इसको हम तय कर लेंगे। मैंने पहले जो राउंड बनाए थे आप देख रहे हैं एकदम ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे बाद में, अभी मैं आपको आगे का बताऊंगी। मैक्रोनी को हमें रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, बिल्कुल ठंडे होने के बाद बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मसाले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने लिया है देगी मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है, बच्चों के लिए बनाया है तो 1/4 से भी कम टेबल स्पून उसमें हम डालेंगे। ये ब्लैक सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 1/4 से भी थोड़ा कम लिया है क्योंकि हमने बॉइलिंग के टाइम पे भी इसमें सॉल्ट ऐड किया था। चाट मसाला है, ये हाफ से थोड़ा कम हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। और ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून मैगी मसाला, उसको भी हम इसमें ऐड। मैगी मसाला हमने ऐड किया है इसमें, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा सॉल्ट इसमें और ऐड कर लेंगे। मसाले मैंने कम मिलाए हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। अच्छे से मसाले मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। देखें कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। बस हमारा स्नैक्स तैयार हो गए हैं चाय के साथ, और ये मैक्रोनी कुरकुरे बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये, आप इन्हें नॉर्मली बना के रख सकते हैं आराम से 10 से 15 दिन। आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको बना कर रख दें और बच्चे आराम से इसे खाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।